गाइस, बाकी लक्ष्य मच्छा नहीं। सो गाइस, आपने देखा होगा जान पे हमने लास्ट नाइट कैंपिंग। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पानी वगैरह भरने के लिए आए हैं और थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे उधर हॉट स्प्रिंग वाटर है, तो वहाँ पे जाएंगे नहाएंगे और उसके बाद नीचे के लिए चलेंगे। नीचे वाला ट्रैक शुरू करेंगे वापस जाने के लिए। और इधर है हमारा टेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे नज़ारे हैं ऊपर वाली पहाड़ियों पे। स्नो है, इधर इधर आपने कुछ भी ख़रीदना हो, उधर मंदिर से थोड़ा सा नीचे एक सुपर मार्केट है, वहाँ पे जाके आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और ये हमारे अंकित भाई इधर काम पे डटे हुए हैं उनके अलावा। दोस्तों तसल्ली से बैठ के बर्तन धो रहे हैं और इधर पानी लिफाफा उड़ी है। अगली बार हमारे दूसरे बर्तन आएंगे। सो गाइस, अभी जा रहे हैं हम नहाने के लिए ऊपर हॉट स्प्रिंग वाटर में, तो वहाँ पे नहाएंगे भी हम। चलो भाई चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम खीर गंगा का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे हॉट वाटर है। अब वहाँ पे जाके हम हॉट बाथ लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद स्विमिंग पूल भी है। हाँ, स्विमिंग पूल है। आधा घंटा वहाँ पे हम बाथिंग करेंगे, उसके बाद हम फिर नीचे की ओर बरसानी की तरफ चल पड़ेंगे। फिर यहाँ प्रस्थान करेंगे हम यहाँ से। चलो आप भी देखना कैसा है। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप इधर है हॉट स्प्रिंग वाटर, यहाँ पे नहा सकते हैं आप। पहले हट है अब वीडियो किसी मेरा कैमरा। गाइस, अभी इधर फोटोग्राफिंग कर रहे हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ से वापस चल पड़े हैं। देखिए सारा सामान लोड करके अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है नीचे उतरने के लिए। भाई पानी बना रो पहले। भाई दोस्तों, हम चल पड़े हैं यहाँ से खीर गंगा से, और अभी टाइम हुआ है 11 बजे, और अभी हम फोटो वाटर स्नैप लेते हुए चलेंगे क्योंकि आगे वाटरफॉल है और वहाँ पे जाके हम अच्छे से स्नैप
स्लो मोशन में वीडियो यहाँ पे डाल हुआ हूँ, हम टमाटर खाएंगे। गाइस इतना फ्रेश पानी आ रहा है, स्नो का पानी है इधर। तो बोतल भी हमारी खाली थी, पीछे रहा पीछे, अभी यहाँ पे पानी पियेंगे। पहले बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। भाई दवा क्या बोल रहा? यहाँ पे नदी वाले पानी से बिजली तैयार की जा रही है। ये देखिए ऊपर जो है बिजली जो है यहीं से यही है। ये देखिए कैसे यहाँ पे बिजली तैयार की जा रही है। और यहाँ पे अभी ये वाली उतरेंगे। रास्ता इधर से भी जाता है, ये रास्ता जो है। अभी मुंह उतर रहे हैं इधर ऐसे रास्तों से, इधर चले हैं। ये देखिए रास्ते कैसे रास्ते हैं। हाय दोस्तों, और ये देखिए कैसे सिलेंडर उठा के आ रहे हैं ऊपर के लिए। नीचे लेके आए हैं बरसानी से। चढ़ाई थी आज, वही उतरना पड़ेगा। चढ़ना तो मुश्किल है, साथ में उतरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे नीचे एक उतराई होगी आज, तो वो भी एक टास्क रहेगा। क्योंकि अगर हल्का सा भी पैर अच्छे से नहीं आया तो नीचे से भी।
won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused. सामने एक और पेड़ है ऐसे, इसके ऊपर से भी ऐसे चढ़ के निकलना पड़ेगा। नॉर्मल है। So guys, ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. So guys, ye dekhiye yahan pe वाटरफॉल जो है, काफ़ी सारे फ़ोटो खींचने के बाद गाइस हम यहाँ से चल पड़े हैं। अभी बहुत सारे फ़ोटो ले लिए हैं, हज़ारों के हिसाब से चलते हैं यहाँ से।
So guys, अब हम नीचे पहुंचने वाले हैं लगभग 1 किलोमीटर के करीब ट्रैक रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रैक बचा हुआ है हमारा, बहुत जल्दी नीचे उतर रहे हैं। So guys, अभी हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है पूरा। टोपी देखी मंदिर, टोपी देखी दो मंदिर बंदे, टोपी देखी नीचे लास्ट वाले उतराई उतर रहे हैं। हम क्या कर अच्छा लास्ट उतराई उतर रहे हैं, उसके बाद हम सीधा नीचे पहुंच जाएंगे गाड़ी के पास। यह डैम सीढ़ी है यहाँ पर, इसलिए आराम आराम से उतरना पड़ रहा ताकि ऐसे नहीं सीधे नीचे पहुँचे। आराम से देखो, तो पहुँच ही गए हैं। रवि भाई ये पैर में मौस आ गई है, इसलिए मालूम हो गया उनको। ये गाड़ी हमारी पहुँच गई,
टाउन में कवर किया पूरा सबसे पहले, और काफ़ी अच्छा रहा। पर हमारे पास काफ़ी भीड़ था, हमारे पास और 12 किलोमीटर काफ़ी टफ भी था। क्या बहना।